तारीख को ये एक दो तारीख को पिता कालू सिंह राजपूत कोटड़ी का रहने वाला है। ये एक आर्मी में सिपाही के रूप में काम करता है। अभी ये पोस्टेड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिलरी के अंदर इसकी पोस्टिंग है। वहाँ पे ये द्रास में पोस्टेड था। इसके द्वारा डेढ़ महीने के लिए ये यहाँ पे छुट्टी के लिए आया हुआ था। इस लड़की के साथ में इसके पिछले 3 साल से संबंध है। ये लड़की जो है ये इसकी बुआ की लड़की है, मतलब ये रिलेशन में ही आती है। तो पिछले 3 साल से इसके साथ में इसके संबंध है। उसके बाद में जब इसकी जून 2023 में इसकी एक लड़की के साथ में शादी हो गई, उसके बाद आरोपी का ये कहना है कि जो मृतिका है वो उससे पैसे मांगने लगी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसको जो है वो रेप के केस में जो है वो भेज देगी। इस तरीके से आरोपी से उसने पैसे मांगे तो आरोपी ने उससे उसको जो है वो कुछ अमाउंट ट्रांजेक्शन भी किया होता है, वो भी हम लोग जो है वो लगभग 50,000 दूसरी बार और भी कुछ अमाउंट उसने ट्रांसफ़र किया है मृतिका के अकाउंट से। उसके बाद में जब ये बार बार होने लगा तो अभी जब ये 1.5 महीने की छुट्टी के लिए आया हुआ था तो इस छुट्टी के दौरान में आरोपी ने एक दिन पहले लगभग 31 तारीख को जब घटना हुई है तभी ये डिसाइड कर लिया कि ये इसका जो है वो इसको मार देगा। उसके बाद इसने मृतिका को फ़ोन करके बुलाया 1 तारीख को कि वो पंचर फाटे के पास में आ जाए। फिर महिला जो है वो मृतिका वहाँ पर आई, उसके घर में वो दोनों उसकी गाड़ी पर बैठ कर गए। गाड़ी से बैठ कर ये आगे उसी रोड से होते हुए रिंगो की तरफ गए। इसने एक मतलब सुनसान एरिया रहने का देखा, वहाँ पे गाड़ी से उतरे, दोनों साथ में बैठे और 2 मिनट कुछ बात किए, पानी पिया। उसके बाद में इसने जो है वो लड़की को उसके पास में एक छोटा सा चाकू टाइप का था तो उसके द्वारा उसने जो है वो उसका गला काट दिया। पहले उसको मारा है गाड़ी से, जब वो नीचे एकदम से गिर गई तो उसके बाद में वो एकदम रजिस्टर ने केस में गिरी तो उसने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद में जो है वो आगे उसके द्वारा जो है वो घर पे भी गया हुआ है। अभी उसके आगे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है कि किस किस तरीके से उसने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। पूरे के पूरे कपड़े जो है वो अभी हमारे संज्ञान में ये भी आया हुआ है कि ये वापस घर पे गया था, घर पे जाने के बाद में इसने अपनी बीवी को भी साथ में बिठा के लेके आया हुआ है और उसके बाद में वो घटनास्थल के पास भी गया हुआ है। तो आगे इसके अभी जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने उसकी वाइफ से भी अलग से पूछताछ कर रहे हैं और CCTV फुटेज के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तो शादी इसकी 2000